खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से एक लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। नंदा कुंजाम पेरपा के जंगलों से गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार नक्सली पर हत्या लूट आगजनी का आरोप है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग जैसे 14 गंभीर आरोप नक्सलियों पर दर्ज है। नक्सलियों की मलंगीर एरिया कमेटी में नंदा पंचायत कमेटी का अध्यक्ष था, ऐसा पुलिस का दावा है। पुलिस ने पंकज सिंह बधौरिया मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, एक लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है, क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? इस समय नक्सली खरीदी सप्ताह चल रहा है, जिसके चलते दंतेवाड़ा में पुलिस ने अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग बढ़ा दी है। इसी के तहत किरंदुल थाना क्षेत्र का पेरपा पड़ता है, अत्यधिक माओवादी संवेदनशील इलाका है। इस इलाके में ही डीआरजी के जवान और किरंदुल के पुलिस बल की एक पार्टी निकली हुई थी सर्चिंग में, वहीं पर यह नक्सली पकड़ाया गया है। इसका नाम नंदा कुंजाम बताया जा रहा है, जो कि मलंगीर एरिया कमेटी में सक्रिय है। ये काफी नक्सलियों का सक्रिय दलम है मलंगीर एरिया कमेटी, इसमें पंचायत कमेटी का अध्यक्ष है और पुलिस ने इस पर एक लाख का इनाम भी लगा रखा था और इस पर 14 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और काफी गंभीर गंभीर मामलों में यह था। तो एक लिहाजा देखा जाए तो दंतेवाड़ा पुलिस के लिए एक अहम कामयाबी भी। जी शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए पंकज। वो नक्सली है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, एक लाख का इनामी नक्सली ग्रीन टी शर्ट में, जिस शख्स को आप तस्वीरों में देख रहे हैं यही नक्सली है जिसने हत्या लूट और तमाम सारे अपराध जैसे प्रकरण इस पर थानों में दर्ज हैं। 14 से ज्यादा प्रकरण इसमें दर्ज हैं। पुलिस टीम पर भी फायरिंग इस नक्सली ने की थी। एक लाख का इनाम पुलिस ने इस पर घोषित किया था। नंदा कुंजाम पेरपा के जंगलों में से इसकी गिरफ्तारी हुई है। लूट आगजनी हत्या तमाम अपराध इस पर दर्ज हैं।